चैनल आद्या फैमिली चैनल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइज मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है यहाँ पे इवनिंग का टाइम और शाम के बज रहे हैं 6 और मैं तैयार हूँ मार्केट में जाने के लिए, क्योंकि घर में ग्रॉसरी का सामान ख़त्म है, सब्ज़ी वगैरह लेना है, फ्रूट्स लेना है, तो एक हाउस वाइफ को ये सारे काम भी करने पड़ते हैं। तो आद्या भी मेरे साथ रेडी है, हस्बैंड जी भी घर पर हैं, तो वही ले करके जा भी रहे हैं। और पहले मन नहीं कर रहा था मेरा जाने का, लग रहा था नेक्स्ट डे, बट फिर सोचा कि जाना तो है ही है लेने सामान, तो आज ही चले जाते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। ये भी है साथ में और इनके पास भी टाइम है। और उसके बाद फिर क्या होता है ना, डेली डेली घर से निकलना ना मुश्किल हो पाता है, एंड अभी काफ़ी ज़्यादा फंक्शन वगैरह होने वाले हैं, तो और भी उसके अकॉर्डिंग शॉपिंग वगैरह करनी है। क्या हुआ आद्या? पापा रेडी हुए? जाओ देखो तो रेडी हुए कि नहीं, जल्दी करिए थोड़ा सा। मम्मी मम्मा था। हम आ गए हैं यहाँ पे मार्केट और बहुत सारा पूजा का भी सामान लेना है, क्योंकि कई जगह पूजा वाले ही कार्यक्रम हैं और घर में भी पूजा की सामग्री ख़त्म थी, जैसे धूप बत्ती है और बत्ती है जो घी में डिबोने वाली रुई वाली, तो वो सब सामान लेना था। और हस्बैंड जी को एक पूजा की किताब लेनी थी, तो बस ये उसी को सर्च कर रहे थे, तो मैंने सोचा लगे हाथ में ये सारा भी सामान ले लेती हूँ तो फ्री ही रहूँगी, तो इसीलिए मैं इन सब सामान को ख़रीदने में लगी हुई थी। और हस्बैंड जी अपना पूजा की किताब खोज रहे थे जो उनको चाहिए थी, तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि छोटी छोटी बत्ती मिले तो ज़्यादा ठीक रहता है, वरना वो जल्दी से बुझ जाती हैं, तो बस यही है। और आद्या यहाँ पे मस्ती करने में लगी हुई है और मुझे अभी यहाँ से जा कर के कहीं जाना भी है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जितना जल्दी मैं अपने मार्केट के काम ख़त्म कर लूँगी उतनी जल्दी मैं घर पहुँचूँगी और आसानी से वो सब काम कर पाऊँगी। हस्बैंड जी हमको लेके आ गए हैं यहाँ पे बर्गर खिलाने, और वैसे इनको ना फास्ट फूड बिल्कुल पसंद नहीं, हम लोगों को खिला रहे हैं लेकिन खुद नहीं खा रहे हैं, इनको बिल्कुल भी नहीं पता आता है। और आद्या को खूब मज़ा आ रही है क्योंकि इसको बर्गर बहुत पसंद है, और आजकल के बच्चों को बर्गर पिज़्ज़ा ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, तो बस यही है, हम लोग खाने पीने में लगे हुए हैं। और ये ना स्टॉल खाने पीने के ना कालिंदी पार्क के पास ही लगते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है शाम के समय, और बहुत ही अच्छा शाम के समय ऐसे खुले में स्टॉल में बैठ के खाने पीने का मज़ा ही अलग होता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ से चल दिए हैं घर के लिए, क्योंकि शाम हो चुकी है और इसके बाद मुझे कहीं और भी जाना है, वो आगे आपको बता। अभी मैं आई हुई हूँ वंदना भाभी के घर, और ये देखो भाभी इतना मेकअप से मेकअप करने में लगी हुई है, तैयार हो गई, ये देखो रेडी हो गई है। और हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर रामायण, अखंड रामायण का पाठ बैठा हुआ है, यानी मिश्रा भाभी के घर। तो हमारी कॉलोनी में मतलब इस टाइम पे काफ़ी कुछ प्रोग्राम होने वाले हैं, तो उसी के लिए सब लोग कुछ ना कुछ
तैयारियां करने में लगे हुए हैं। तो अभी मार्केट से जस्ट आई हूँ और काफ़ी ज़्यादा जल्दी गई और जल्दी वापस आई, और बहुत आराम से ना इसने काजल भी लगवाया, बिंदी भी लगवाई एंड पूरा मतलब मेकअप भाभी से करवाया। तो भाभी वही बोल रही कि हमसे इतने प्यार से तैयार हो गई, बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा आप ही से नहीं, वो मेकअप करने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो गई है और वो किसी से भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। अभी आद्या को मैं दिखाती हूँ, अभी आपको आद्या अभी ना टीवी देखने में लगी हुई है, सुन ही नहीं रही है। और बस अभी हम भाभी जा रहे हैं, तो हम लोग को रामायण कहने का बहुत शौक है, तो जाएंगे थोड़ी देर रामायण का पाठ कहेंगे। तो ये देखो हमारी भाभी रेडी हो गई है। पूतली वो क्या है कहते हैं गुजराती भाषा में, पूतली लग रही है। आज आपको किसने रेडी किया है? आंटी ने, बोल दो आंटी ने आपको रेडी किया है। मन नहीं है अभी आद्या का बोलने का। चलिए तैयार है, फिर निकलते हैं। चलिए भाभी यहाँ पे हो रहा है अखंड रामायण का पाठ और हम आ गए हैं पाठ में हिस्सा लेना, क्योंकि मुझे भाभी को दोनों को अखंड रामायण कहने का ना बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बचपने में जब भी कहीं मेरे गांव में रामायण का पाठ हुआ करता था तो मैं रामायण कहने ज़रूर जाया करती थी। तो हम लोग पहुँच गए हैं और अखंड रामायण जो है वो 24 घंटे जोत जलती है, 24 घंटे पाठ लगातार चलता है और एक ही दिन में पूरी रामायण जो है वो ख़त्म की जाती है 24 घंटे में, और उसके बाद फिर हवन होता है। तो पूजा की शुरुआत दोपहर में ही हो गई थी, 12-1 बजे से पाठ शुरू हो गया था और अभी शाम को 6:30 बज रहे हैं और हम पहुंच गए हैं पाठ में हिस्सा लेने। तो बस भाभी और मैं, हम लोग एक दोनों लोग एक एक साइड बैठ गए हैं और रामायण कहने में लगे हुए हैं और भाभी ने यहाँ पे ढोलक संभाल ली है, क्योंकि वो ढोलक काफ़ी अच्छी बजाती हैं और साथ में उधर साइड भी दो दीदियाँ लगी हुई हैं रामायण कहने में। और रामायण कहने में इतना ज़्यादा मग्न हो जाना होता है कि फिर हटने का मन ही नहीं करता है, तो मेरा भी खूब मन लग जाता है, फिर मेरा बिल्कुल भी हटने का मन नहीं करता है। और देख सकते हैं यहाँ पे आद्या भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, कर रहा है ना कि अगर जब तक थकान ना हो, जब तक उठने का मन ना करे, तब तक रामायण ही कहते रहो, ऐसा लग रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। पूजा पाठ होता रहता है ना उस घर में, वैसे ही रौनक बढ़ जाती है, तो अभी यहाँ भी खूब सारी रौनक जमी हुई है। चलते हैं ऊपर।
क्योंकि सब लोग ऊपर ही हैं, मिश्रा भाभी की जितनी फैमिली मेम्बर्स हैं सब ऊपर है, और मिश्रा भाभी हमें किसी स्पेशल पर्सन से मिलाने के लिए ऊपर लेकर के आई हैं। और हाँ, मायके में प्राची ने मुझको कुछ ऐसा सामान दिया हुआ था जिसको मैं वहीं भूल करके आ गई हूँ, तो यहाँ आने के बाद मुझे याद आया कि मैं वहीं रख करके आ गई हूँ। और मैं बताती हूँ कर आ गई हूँ, तो जब हम प्राची के घर गए थे तो उसने वहाँ पर मुझे आते समय ना साड़ी दी थी, तो वो मैं वहीं भूल करके आ गई हूँ। और काफ़ी अच्छी साड़ी थी, मैंने सोचा था मैं उसको अपने खुद के लिए बनवाऊँगी, लेकिन वहीं छोड़ करके आ गई हूँ। उसके बाद मिश्रा भाभी हमको लेकर के आई हैं अपनी सासू माँ से मिलाने, तो देख सकते हैं, और उनसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। तो सासू माँ से भी हमने मिल लिया, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा जितने भी उनके रिलेटिव्स हैं वो सब बैठे हुए हैं, तो सबसे भाभी हमको लोग को मिलवा रही हैं। तो इसी टाइम पे ना सबसे मुलाकात हो जाती है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है सबके फैमिली मेम्बर से। और हमारी कॉलोनी में इस टाइम पे गृह प्रवेश के कार्यक्रम काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू है अगर मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, तो उससे आपको सारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में और एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़ आदिया फैमिली चैनल, बाय, टेक केयर।